हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के कानकी टेक्नोलॉजी के कानकी के इंट्रोडक्शन पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो SSJEE पॉलिटेक्निक एंड UPPSSC के अनुसार से इम्पोर्टेंट है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला है कि द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज, अर्थात कह रहा है कि कंक्रीट का लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशियंट होता है तो लेस देन डेट ऑफ कंक्रीट डेट ऑफ स्टील, अर्थात स्टील से के तुलना में कम होता है लीनियर एक्सपेंशन, कि मोर देन डेट ऑफ स्टील कि स्टील की तुलना में अधिक होता है। फिर कह रहा है कि एट मोस्ट सेम एज डैट ऑफ स्टील, अर्थात स्टील के लगभग बराबर होता है। तो यस, स्टील के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द ज्वाइंट इन सीमेंट कंक्रीट शुड बी मेड एट एन एंगल ऑफ, अर्थात सीमेंट कंक्रीट में जोड़ निम्नलिखित में से किस एंगल पर बनाया जाता है, तो होता है 45 डिग्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड, किस एग्रीगेट को इलोंगेटेड बोला जाता है, तो उस एग्रीगेट को इलोंगेटेड कहा जाता है जिसका मीन डायमेंशन के अनुसार उसका जो इक्वल डायमेंशन होता है, जो मीन डायमेंशन के अनुसार 9/10 होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, इसको लिख सकते हैं 1.8। इसमें देखिए कह रहा है कि इट लीस्ट डायमेंशन इज 3/5 ऑफ इट मीन डायमेंशन, अर्थात इसका जो न्यूनतम माप है, न्यूनतम डायमेंशन है, जो औसत औसत मीन डायमेंशन के 3/5 गुना है। इसमें कह रहा है इसमें इक्वल बोल रहा है। इसमें देखिए तो इसमें कह रहा है कि इट लेंथ इज इक्वल टू इट डायमेंशन। इसमें देखिए बोल रहा है कि द इट लेंथ इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द मीन डायमेंशन, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि द बल्किंग ऑफ एग्रीगेट ड्यू टू, अर्थात एग्रीगेट का बल्किंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो एग्रीगेट के बल्किंग का मुख्य कारण होता है मॉइस्चर कंटेंट, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि M50 इज कंसिडर्ड एज टाइप्स ऑफ कंक्रीट, अर्थात M50 ग्रेड का कंक्रीट को क्या कहा जाता है या किस प्रकार का कंक्रीट है, तो होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अकॉर्डिंग टू इंडिया सिनेरियो ऑफ SSC ग्रेड ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इज यूज फॉर कॉलम, अर्थात SSC का अर्थात अर्थात SSC का इंडिया एरिया स्कैनरियो के अनुसार से सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट निम्नलिखित में से कौन से ग्रेड स्तंभों के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो होता है M70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द पॉइजन्स रेशियो ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज अबाउट, अर्थात सीमेंट कंक्रीट का पॉइजन रेशियो लगभग कितना होता है,
तो सीमेंट कंक्रीट का पॉइजन रेशियो था 1.015, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, परमेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज, अर्थात M20 ग्रेड कंक्रीट का परमेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। तो M20 का होता है 200 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द परमेबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, 25 ग्रेड कंक्रीट के डायरेक्ट कंप्रेशन में परमेबल स्ट्रेस कितना होता है। तो इसका स्ट्रेस होता है 60 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आईएस 656 2000 मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज स्ट्रक्चर यूजली, अर्थात कह रहा है कि आईएस कोड 656 2000 के अनुसार सेशन कंस्ट्रक्शन यूज में, कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए कंक्रीट के किस न्यूनतम ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो M20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मॉडुलर रेशियो एम फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट इज, अर्थात M20 ग्रेड के कंक्रीट के लिए एम का मॉडुलर रेशियो क्या होता है। तो एम का मॉडुलर रेशियो होता है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइट वेट कंक्रीट इज प्रिपेयर, माने कि लाइट, इसका अर्थ हुआ कि लाइट वेट कंक्रीट बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला कह रहा कि मिक्सिंग पोर्टलैंड सीमेंट विद सॉडस्ट इन स्पेशली प्रोपोर्शन इन कंक्रीट, अर्थात इसमें सीमेंट के साथ साथ बुरादा का भी प्रयोग करना चाहिए। फिर कह रहा कि यूजिंग कोक ब्रेज सिलेंडर और सैंड एज एग्रीगेट इन सीमेंट कंक्रीट, ये गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, कह रहा है कि द प्रोड्यूस इम्परमेबल कंक्रीट, अर्थात इम्परमेबल कंक्रीट कहने का अर्थ है कि वैसा कंक्रीट जब कंक्रीट ठोस हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसे जल आर पार नहीं होना चाहिए, उसी को कहा जाता है इम्परमेबल कंक्रीट। तो इम्परमेबल कंक्रीट करने के लिए, कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला कह रहा कि थ्रू मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, अर्थात कंक्रीट को अच्छा से मिक्स करके, फिर करा कि प्रॉपर कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को अच्छे से कॉम्पैक्ट करके, फिर करा कि प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, जब कंक्रीट को हम जब उसको शेप देते हैं उसके और वो हार्ड होता है तो उसको प्रॉपर क्यूरिंग करके किया जा सकता है, अर्थात ऑल ऑप्शन और करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिटरमाइन फॉर फ्रॉम 150 mm इंटू 300 mm सिलेंडर इज एक्स, अर्थात 150 mm गुने 150 mm लंबाई और 300 mm चौड़ाई के जब एक सिलेंडर प्रिपेयर किया जाता है तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक्स आता है। देन तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेम एग्रीगेट, उसी एग्रीगेट का डिटरमाइन फ्रॉम
150 क्यूबीज, और उसी एग्रीगेट का 150 mm का एक क्यूब बनाया जाता है, तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा? तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 1.25 मल्टीपल होता है, या 2 टाइम बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज या आर, इज या आर का अर्थ हुआ कि एक ऑप्शन विषय हो सकता है और एक से अधिक विषय हो सकता है। इंक्लूडेड इन एक्सेप्टेंस क्रिटेरियन ऑफ कंक्रीट। अर्थात कह रहा है कि सीमेंट के टेस्ट करने के लिए कौन सा एक्सेप्ट सही है, कौन सा ऑप्शन सही है कह रहा है। तो मॉडुलस ऑफ रैप्चर टेस्ट एट 7 days, अर्थात कंक्रीट के मॉडुलस ऑफ रैप्चर टेस्ट 7 days में किया जाता है, तो ये गलत है। फिर कह रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एट 7 days, अर्थात कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट 7 days में किया जाता है, नहीं गलत है, 28 दिन में किया जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एट 28 days, यस ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए क्या बोल रहे हैं, पहला में 1-3 बोल रहे हैं, 2-3 बोल रहे हैं, तीनों, और लेकिन ओनली 4 चीज सही हुआ था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स, अर्थात ऑर्डिनरी कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए कौन सा कंक्रीट मिक्स का यूज नहीं किया जाता है, किस ग्रेड के कंक्रीट मिक्सर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो M40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सो इन इंक्रीज विथ, अर्थात कंक्रीट का स्ट्रेंथ इंक्रीज कब शो करता है, जब उस पर लोड अधिक देते हैं, लोड का रेट जैसे जैसे बढ़ाते हैं उसका स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसका कंक्रीट फ्रैक्चर हो जाता है, कंक्रीट का फ्रैक्चर हो जाता है, कंक्रीट टूट जाता है, इसलिए ऑप्शन बी में देखिए इंक्रीज इन रेट ऑफ रोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द मटेरियल यूज एज इंग्रेडिएंट इन कंक्रीट इज यूजुअली, अर्थात कंक्रीट बनाने के समय किन इंग्रेडिएंटों का यूज करते हैं, तो पहला सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, अर्थात ऑल द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 days टू डैट आफ्टर 1 years, अर्थात एक एग्रीगेट को, एक कहने का अर्थ है कि एग्रीगेट को 28, अगर कोई भी एग्रीगेट 1 वर्ष में 100% स्ट्रेंथ प्राप्त करता है, तो वही एग्रीगेट 28 दिन में कितना स्ट्रेंथ प्राप्त करेगा, तो उसका 80% स्ट्रेंथ प्राप्त करता है, अगर दशमलव में कहेंगे तो 0.8 हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द लाइट वेट कंक्रीट कैन बी प्रोड्यूस, अर्थात हम अगर हमें हल्के भार के कंक्रीट का प्रोड्यूस करना है, उत्पादित करना है, बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए। पहला बोल रहा है कि बाय यूजिंग लाइट वेट कंक्रीट, हमें हल्के वेट वाले कंक्रीट का यूज करना चाहिए। फिर दूसरा में बोल रहे हैं ये सही है। फिर कह रहे हैं कि बाय इंट्रोड्यूस लार्ज वॉइस विथ इन द कंक्रीट, कंक्रीट में हमें लार्ज वॉइड उत्पन्न कर देना चाहिए। फिर बोल रहा कि वाई ओम्यूटिंग, ओम्यूटिंग मैंने होता है छोड़ना, फाइन एग्रीगेट,
फाइन एग्रीगेट का यूज नहीं करेंगे तब भी वर्ड वर्ड ही उत्पन्न हो गए, इसीलिए अर्थात ये भी सही है और ये भी सही है, इसीलिए ऑल द एबव हो जाएगा, बीसवा का आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि एम डेढ़ सौ, एम डेढ़ सौ, फोर एम डेढ़ सौ, एम डेढ़ सौ ग्रेड का गेट करने के लिए सीमेंट कंक्रीट परमेबल वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस। एम डेढ़ सौ ग्रेड के कंक्रीट का शेयर स्ट्रेस का परमेबल वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, तो होगा 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आज पर IS 456 2000 मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर स्ट्रक्चर यूज इज, अर्थात IS कोड 456 2000 के अनुसार से स्ट्रक्चर यूजिंग के लिए कंक्रीट के किस न्यूनतम ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, तो M20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिटरमाइनिंग फ्रॉम 150 mm इंटू 150 mm गुने 150 mm सिलेंडर एज कंपेयर टू द डिटरमाइनिंग फ्रॉम 150 mm इंटू 300 mm सिलेंडर इज तो इस 150 mm टू 150 mm सिलेंडर के स्ट्रेंथ 150 mm इंटू 300 mm के सिलेंडर के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से अधिक होता है, इसलिए मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि परमेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 कंक्रीट ग्रेड इज, अर्थात पूछ रहा है कि M30 ग्रेड के कंक्रीट का परमेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो 300 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, अगर M20 होता तो 200 mm प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टोरिंग द वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, अर्थात कंक्रीट के विभिन्न इंग्रेडिएंट को भंडारित करने का मुख्य इम्पोर्टेंस क्या होता है या मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य इम्पोर्टेंस होता है कि कंक्रीट के ग्रेडिंग और मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्मली मेंटेन करने के लिए, अर्थात ऑप्शन ए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में लिखा है कि ए और बी बोथ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि M10 grades of concrete approximate, अर्थात M10 ग्रेड का के कंक्रीट लगभग होती है, तो 1:3:6 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10% लेस वाटर इन कंक्रीट, अगर कंक्रीट में 10% कम वाटर देते हैं तो एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वाइज, तो कंक्रीट के स्ट्रेंथ को कितना अफेक्ट करता है, तो 30%, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि ए बैडली मिक्स
सीमेंट कंक्रीट रिजल्ट इज, अगर हम कंक्रीट को बैडली मिक्स, ख़राब से मिक्स करते हैं तो हॉनीकॉम्बिंग होने का संभावना रहता है, इसलिए ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें।